गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य के उस ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, डेली हम लोग ऐप पे एक टेस्ट पेपर डाउनलोड अपना अपलोड करते हैं और उसी का सॉल्यूशन जो है हम अब लोग अगले दिन करते हैं। तो आज 69वां टेस्ट पेपर है, 69 टेस्ट पेपर, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों, अब ये सवाल है, ये सवाल ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा तरीके से हल होगा। कई सवाल क्या होते हैं, आप एक्स वाई मान के करते हो तो उसमें थोड़ा वो अपने कहीं सूत्र वगैरह भी लगाना थोड़े बड़े भी हो जाते हैं वो, ठीक है। इसकी बजाय उनको अगर हम सूत्रों से करें तो वो एक जो इसको हिट एंड ट्राई, एक तुक्का लगाना जिसको बोल सकते हैं, उससे करें तो वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। जैसे कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 29 और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना है, उन संख्याओं का अंतर। भाई पहला ऑप्शन हमने लिया, मान लो चार ऑप्शन दिए मैं, इसमें चार ऑप्शन जो थे 13, 5, 8, 1, ये चार ऑप्शन थे। हमने सबसे पहले 13 अंतर अगर लिया इनका तो एक संख्या तो क्या आ जाएगी 29 माइनस 13, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग 29 है, दो संख्याओं का योग 29 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग 29 है, अंतर 13 कह रहा है, तो एक संख्या तो क्या हो जाएगी बच्चों, अगर अंतर 13 कह रहा है ध्यान समझे, 29 के क्या टुकड़े करें, अंतर 13 आए बच्चों, 29 के क्या टुकड़े करें कि अंतर कितना आ जाए बच्चों 13, ठीक है ना। तो वो हो जाएंगे आपके 13, अगर इसमें से घटाएं 16 और 1 मिनट हो, आप सोचें भाई वो संख्या सोचते हैं हम जिसका, जिन दो संख्याओं का योग तो 29 हो, अंतर 13 हो, ठीक है ना। योग कितना हो 29, अंतर कितना हो 13, वो दो संख्याएं सोचें बच्चों, तो उनका वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, 32, 42, 42, 21, एक संख्या 21 हो जाएगी बच्चों, एक संख्या 8 हो जाएगी। देखो हमें, हम ऑप्शन से कर रहे हैं इस सवाल को, अच्छा सवाल है, अलग टाइप का लेकिन आसान और अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं का योग 29 है, जोड़ 29 है, उनका अंतर कितना है, हम ऑप्शन वाइज कर रहे हैं। ऑप्शन ए में अंतर कितना दे रखा अपने को 13, तो हम वो संख्याएं दो ले लेते जिनका योग 29 है, अंतर 13 है, तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं बड़ी संख्या क्या होती, मैंने बताया था योग प्लस अंतर बटे दो, तो 29 और 13 कितने हो गए बच्चों 42 बटे 2 कितना आ गया आपके 21 आ गया। हम ऐसा करते हैं ना कि दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है, तो बड़ी व छोटी संख्या क्या आपको, बड़ी संख्या क्या होता है योग प्लस अंतर बटा दो, और छोटी संख्या क्या होता है योग माइनस अंतर बटा दो। इस तरीके से हमने बड़ी संख्या, योग 29 है ऑप्शन ए में, जो है ऑप्शन ए में कितनी दे रखी संख्या, अंतर कितना दे रखा है 13, ठीक है ना। तो योग प्लस अंतर बटा दो किया, बड़ी संख्या आ गई 21, अब योग 29 है, बड़ी संख्या 21 है, तो छोटी संख्या 29 माइनस 21 कितना हो जाएगा 8। अब कह रहा उन इन दोनों के वर्गों का अंतर 145 है, इन दोनों के वर्गों का अंतर लो, 21 का वर्ग कितना आ जाएगा 441 माइनस 8 का वर्ग 64 आएगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर ये घटाओगे तो क्या ये 145 आएगा बच्चों, नहीं ये 145 नहीं आएगा। जैसे देखो इसका अंतर कितना आ रहा है, 11 में से 4 गया पीछे रहा 7, ठीक है। अब यहां उधार लिया एक, 13 में से 6 गया पीछे रहा 7, 377 आ गया बच्चों, तो क्या योग और अंतर जो है 377 आएगा, अंतर आना कितना चाहिए 145, आना कितना चाहिए 145, तो ए ऑप्शन करेक्ट है क्या बच्चों, नहीं। ऑप्शन बी को चेक कर लो आप, वैसे के वैसे योग दे रखा है बच्चों 29, योग 29 है, अंतर 5 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, योग 29 योग प्लस अंतर बटा दो, ये बड़ी संख्या आ जाएगी 34 बटे 2, बड़ी संख्या कितनी आ गई 17, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, योग 29 है, बड़ी संख्या 17 आ जाएगी, तो छोटी संख्या कितनी लेंगे बच्चों हम लोग, बड़ी संख्या 17 आ जाएगी, छोटी संख्या 29 में 17 कटाओ, छोटी संख्या कितनी होगी 12। अच्छा अब कह रहा इनके वर्गों का योग, सॉरी वर्गों का योग, तो वर्ग कितने हैं, 17 का वर्ग है 290 माइनस 12 का वर्ग 144, इसमें से घटाओगे तो आएगा 145, तो बेटा 145 आ रहा है कि नहीं आ रहा वर्गों का अंतर,
तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। आसान है, समझाया इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, बिल्कुल आसान है भाई। दो संख्याओं योग 29 कह रहा है, ठीक है। अंतर चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहले में ऑप्शन अंतर 13 दिया, बड़ी संख्या क्या होगी, योग प्लस अंतर बटा दो 29 प्लस 13 बटे दो आया 21, 21 है योग 29 है, एक संख्या 21 है, दूर संख्या 29 माइनस 21 कितनी होगी 8, उनके वर्गों का अंतर 145 होना चाहिए, वर्गों का अंतर कितना आ रहा है 377, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लें आप, योग 29 अंतर ऑप्शन बी का 5, बड़ी संख्या क्या होगी, योग प्लस अंतर बटा दो 34 बटा दो 17। अब उनका अंतर 5 दे रखा है तो पहली संख्या 17 है तो 17 घटाया 29 में से, दूसरी संख्या 12 होगी। अब इनके वर्गों का अंतर 145 आ रहा है और आना भी कितना चाहिए 145, ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। तो ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है, अगर आपसे नहीं हुआ तो इसको घर पर एक बार जरूर हल कीजिएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भैया 0 तथा 1 न भाज्य होती न अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 सम जरूर है, 2 में 2 का भाग जाता है लेकिन 2 है अभाज्य। अभाज्य संख्या परिभाषा क्या, वो संख्या जिसमें स्वयं तथा एक, स्वयं और एक का भाग तो सब में ही जाता है लेकिन स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, कह रहा वह बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी मतलब क्या ज्ञात करना होता है बच्चों, मसप, याद रखें मैंने ये ट्रिक आपको बताई है। प्रश्न में ये भाषा में ये आ जाता है, छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या, तो लसप ज्ञात करने का कह रहा है, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो हमें क्या ज्ञात करना है, मसप, जिसमें 517 और 815 भाग अगर कहता पूरा पूरा जाए तब तो इन्हीं का मसप, लेकिन शेषफल बचने का कह रहा है तो 517 में भाग देने पर शेष कितना आ रहा है 13, इसका मतलब भाग पूरा पूरा किस में जाएगा, 517 माइनस 13 504 के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 13 बच रहा है ना, तो भाग पूरा पूरा किस में जाएगा, 517 माइनस 13 504 में। फिर 815 में कह रहा भाग देते हैं तो शेष फल कितना आ रहा है 17, तो भैया बचे तो इसका मतलब शेष फल इसमें 17 इसमें 13 इसमें 17 आ रहा है तो भाग पूरा पूरा किस में जाएगा उस संख्या का, कि 815 माइनस 17 798, ठीक है। अब वो संख्याएं, वो संख्या पूछ रहा है जिसका भाग 504 में भी जाता और जिसका भाग 798 में जाता, इन दोनों का मसप निकाल लो। तो भैया 504 और 798 इनका मसप जो है, ये तो हमें पहले निकालना ही, बच्चों ध्यान देना कि भी 517 भाग जाने पर शेषफल बच रहा 13, तो 517 माइनस 13 504 में भाग पूरा पूरा जाएगा, 815 भाग देने पर शेषफल बच रहा 17 भाग पूरा पूरा किस में जाएगा, 815 माइनस 17 798, ठीक है। यहां तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अब इसमें ध्यान दें बेटा, तो इनका मसप, मसप क्या होता है, मसप का भाग सदैव दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है। अब इसके बाद जब इन दोनों का मसप पूछ रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन में जो चार संख्याएं दे रखी चारों का भाग इनमें दें तो वही आपका आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन में एक संख्या थी 42, 42 का भाग इन दोनों में दोगे तो दोनों में ही पूरा पूरा जाता है तो वही आंसर है। और हम यूं वैसे मसप निकालना निकाल सकते, इकाई पर चार है, दो का भाग दिया, दो पीछे रहा एक, पांच दो इसमें भाग दिया, तीन पीछे रहा एक, नौ फिर एक, दो का भाग दिया 252 में, एक दो छः एक 26, दो का भाग इसमें नहीं जा रहा वैसा, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा वैसा हम नीचे उतार देते हैं, फिर इसमें दो का भाग जा रहा है 6 3 9, अब इसमें दो का भाग नहीं जा रहा, तीन का भाग जा रहा, अंकों के योग में अगर तीन का भाग जाता संख्या में जाता, तीन का भाग दिया 21, तीन का भाग दिया 133, तीन का भाग दिया 7 4 6 7, इसमें भाग नहीं जा रहा भैया 133 वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है।
इसमें भाग दिया 252 399, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया 126, ये भागने के वैसे वैसे लिख दिया। फिर 3 का भाग दिया 21, 3 का भाग दिया 133। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें दिया ये। अब इसमें 7 का भाग जाएगा क्या, 7 9 63, 7 का जाएगा बेटा, 7 का भाग दिया एक बार गया, इसमें 7 का भाग गया एक बार, 7 × 7 13 में 7 घटाए पीछे रहा 6 लिख दिया 63 में 9 बार। फिर 19 का देंगे 1। मशब क्या होता है बच्चों, उन उन संख्याओं को लेते हैं जिसका भाग सब में गया हो। इस 2 को लेंगे, 2 का भाग दोनों में गया है। इस 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 का भाग 399 में नहीं गया। वो लसब में तो सबको लेके गुणा करते हैं, मशब के लिए क्या करते हैं, उनको लेते हैं जिनका भाग दोनों में गया हो। इस 2 को नहीं लेंगे क्यों, 2 का भाग 399 में गया। इस 3 को लेंगे, 3 का भाग 63 में भी गया, 399 में गया। इस 3 को नहीं लेंगे, 3 का भाग 133 में नहीं गया। इस 7 को लेंगे, 7 का भाग 7 में गया, 133 में गया। इस 19 को नहीं लेंगे तो मशब क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 7, ये आ गया 42। आप चेक भी कर सकते हैं, और या ऑप्शन से, जब ये दोनों आ गए बच्चों 5 4 7 97, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। मशब का भाग सदैव दी की संख्या में ज्यादा, 42 का भाग दोनों में पूरा पूरा जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो शेषफल बचने का कह रहा है, पहले संख्या में से घटाना है, फिर याद रखना है बड़ी से बड़ी तो लसब, छोटी से छोटी तो अपना, बड़ी से बड़ी कहता है मशब, छोटी से छोटी कहता है तो लसब। अब ये प्रश्न है बच्चों, भिन्न संख्याओं का सवाल है, आसान सा, भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग है, इसमें हमें आता है भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम किसको हल करेंगे बच्चों, भाग को, सर्वप्रथम भाग को हल करेंगे बच्चों। मैं साइड में लिख लेता हूं, 1/2 भाग है 2/1, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, भाग 2, 1/2 भाग 2/1 है। तो 1/2 भिन्न के भाग में क्या होता है भैया, पहली भिन्न वैसी वैसी चिन्ह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट जाती है, ठीक है ना, दूसरी भिन्न उलट जाती है, ठीक है। 1/2 भाग 2 है तो पहली भिन्न वैसी वैसी चिन्ह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट गई 1/2, 1/2 को 1/2 से गुणा किया, आ गया 1/4। तो इसकी जगह मैं 1/4 लिख सकता हूं, वो किसके लिखूंगा, माइनस के, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 1+1 माइनस, माइनस का आएगा, बाकी वैसा वैसा 7/19 है ही है। ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न, मतलब 3 × 6 = 7/2 प्लस 7 × 14 14 × 5 = 19/7 है। सर्वप्रथम हमने भाग को हल किया, ठीक है ना, आया 1/4, लेकिन चिन्ह 1/4 लिख दिया, संख्यात्मक मान तो चिन्ह किसका आएगा, कि इस 2 का चिन्ह नहीं दिया प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस है गुणा भाग में असमान चिन्ह है तो माइनस। अब ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बदल लिया, तो भैया 19 से 19 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो सीधा क्या रहा, 7/2 प्लस ये पूरा कट गया तो 1 रहा, माइनस 1/4। लसब ले लो इसका, बटे में यहां कुछ नहीं, 1 इन 2 1 और 4 का लसब 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया 14 प्लस का प्लस, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से किया 4 माइनस, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से किया 18 माइनस 1/17/4, 4 × 16, 17 × 16 के पीछे रहा 1, 4 सही 1/4, आंसर क्या गया बच्चों, 4 सही 1/4। सबसे पहले भाग हल किया, ठीक है ना, इसको 1/2 भाग 2 को आया 1/4, अब ये प्लस माइनस है चिन्ह माइनस का, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदला, ये 19/7 से 7/19 कट गया, पीछे क्या रहा 7/2, यहां सब कट गया, पीछे कुछ नहीं, एक लेते हैं, एक मतलब 1/1 माइनस 1/4 है, लसब लेके इनकी जोड़ बाकी करी, उत्तर आ गया 4 से 1/4। अगला प्रश्न, चलिए मैं इसको एक बार वापस लिख देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। प्रश्न है बच्चों, 0.304 × 20/30.4 × 2 × 0.1, ठीक है, ये गुणा में ऊपर ही ले लो इसको। अब भैया पॉइंट हटा दें आप लोग, ठीक है ना, सुनिएगा, नीचे पॉइंट हटाया तो ऊपर एक लिया, मैं यहां साइड में ले लेता हूं, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर एक लिया, पॉइंट के बाद एक अंक है 10,
अब ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे एक लिया, पॉइंट के बाद यहां तीन अंक है तो तीन जीरो लेंगे बच्चों। अब इसमें पॉइंट हटा दो, ये चिन्ह बीच में नहीं दिया था, चिन्ह गुणा का, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे एक, पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो। हमने क्या किया बच्चों, ये 0.1 गुणा में तो ऊपर ही रख दिया, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर एक, पॉइंट के बाद एक अंक एक जीरो, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे एक, पॉइंट के बाद तीन अंक तीन जीरो, ऊपर पॉइंट नीचे एक, पॉइंट के बाद एक अंक एक जीरो, दोनों के बीच चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा का, 10 से 10 कट गया, 2 का भाग 20 में दिया 10, तीन पॉइंट हट गया 304 से 304 कट गया, ऊपर रह गया 10 बटा नीचे रह गया 1000, जीरो से जीरो कट गया आया 1/100। अब पॉइंट नहीं दे रखा कहां मांगते हैं, सबसे लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो, इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, 1 2 अंक बाद यहां पॉइंट आ गया फिर 0, ये आपका आंसर आ गया बच्चों 0.01। पॉइंट हटाना है ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा, आसान लेकिन अलग टाइप का अच्छा सवाल है। देखो कह रहा है 2 किलोग्राम चावल है और 7 किलोग्राम गेहूं है का मूल्य कितना है, 128 रुपये। 2 किलो चावल है भाई, 2 केजी चावल प्लस 7 केजी गेहूं का मूल्य कितने रुपए दे रखा है, 128। ठीक है ठीक है, ये जो प्रश्न में दे रखा है वो मैंने लिख दिया कि भाई 2 किलो चावल और 7 किलो गेहूं का मूल्य 128। ठीक है, अब कह रहा गेहूं 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपए, तो चावल के मूल्य नहीं पता तो चावल के मूल्य को क्या मान लो x, चावल का मूल्य क्या है तो भैया उस जो चावल का मूल्य पूछा तो उसको मान लिया 100 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति केजी, जो चीज पूछी जाती है उसको हम सदैव क्या मान लेते हैं x, चावल गेहूं का मूल्य दिया है चावल का पूछा है तो चावल के मूल्य को मान लिया हमने बच्चों 100 रुपए प्रति किलोग्राम, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हम लोग यहां रख देते हैं 2 × चावल का मूल्य, अगर प्रति किलोग्राम 100 रुपए, 2 किलो का कितना होगा 2 × x प्लस 7 किलोग्राम गेहूं है और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है भैया 12 × 12 बराबर 128, 2x प्लस 12 × 8 12 × 72 12 × 7 = 84 बराबर 128, 2x बराबर 128, 84 प्लस का है माइनस का हो जाएगा 2x बराबर, घटाया इसमें से ये 16 और 28 हो गए बच्चों आपके 44 44, एक्स बराबर 44/2 22। ठीक है, तो भैया गेहूं का जो चावल का मूल्य है वो कितने रुपए आ जाएगा, 22 रुपए प्रति किलोग्राम केजी पर केजी। ठीक है, आसान था अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल बच्चों, अब ये सवाल बिल्कुल आसान है, घातांक का सवाल है बच्चों। मैंने बताया गुणा में घातें जुड़ती है, गुणा में घातें जुड़ती है, या इसमें आप गुणा गुणा भी नहीं करो, या चलो सीधा गुणा कर लो, गुणा में घातें जुड़ती है तो सभी गुणा में तो सभी घातें जुड़ जाएगी, तो x की घात हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब ये जुड़ेगी तो भी क्या होगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b माइनस c, a से a कटेगा, बी से बी कट जाएगा घट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ये क्या आ गया बच्चों, एक्स की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 बराबर कितना आता है बच्चों, 1। आंसर आपका कितना आ जाएगा भैया, 1, किसी भी संख्या की घात 0 बराबर 1 आएगा। ठीक है, प्रश्न क्या था बच्चों, एक्स की घात ए एक्स की घात बी एक्स की घात सी इंटू एक्स की घात माइनस ए एक्स की घात माइनस बी माइनस सी, सभी गुणा में है तो आधार समान है तो एक्स वही रहेगा, घातें जुड़ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, अभी माइनस का तो प्लस करके लिखोगे तो भी प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो सब ये कट जाएगा, x का 0 किसी का 0 बराबर 1। ठीक है भैया, चलिए अब हम आगे चलते हैं, 18 और 8 का मध्य अनुपाती,
जब दो अनुपात दे दे बच्चों तो बीच वाले दोनों बराबर मानते हैं, तो 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8। दो मध्य अनुपात ही पूछता है, मतलब दो बीच वाले अनुपात कैसे मानने हैं बच्चों बराबर। इसमें क्या होता है भैया, बाएं पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा, तो x इंटू एक्स बराबर 18 इंटू 8 एक्स स्क्वायर बराबर 144। एक्स क्या हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल, एक्स हो जाएगा 12। ठीक है, मध्य अनुपाती पूछता है तो बीच वाले दोनों एक्स मान लेने, मतलब बराबर मान लेने। अब ये औसत का सवाल है, कल इस टाइप का सवाल हमने किया था बच्चों, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, उम्र का सवाल भी बन जाता है ये, औसत का भी बन जाता है एक प्रकार से। कह रहा है बच्चों 30 छात्रों की औसत उम्र है 18 वर्ष, तो 30 छात्रों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 छात्रों औसत उम्र 18 है, 30 छात्रों की कुल उम्र हो जाएगी बच्चों 30 इंटू राशियों के योग का, तो औसत राशियों की संख्या 18 54 और फिर 0 540 वर्ष, पहला समीकरण। कह रहा शिक्षक की उम्र मिलाएं तो औसत उम्र 19 हो जाती है, शिक्षक की उम्र मिलाने पर औसत कितना होता है बच्चों, 19 हो जाता है, पहले 18 था, वो औसत कितना होता है 19, शिक्षक की उम्र मिलाने पर औसत 19 हो जाता है। अगर कहता एक बढ़ता दो बढ़ता तब तो 18 में प्लस एक प्लस दो करते, या कहता एक घटता दो घटता ऐसे, तो 18 माइनस एक माइनस दो, सीधा कह रहा 19 हो जाता है 18 की जगह, 19 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक प्लस 30 छात्रों की कुल उम्र क्या हो जाएगी बच्चों, औसत कितना है 19 इंटू राशियों की संख्या, हम लोग 30 लेंगे, 30 प्लस 1 लेंगे बच्चों, 30 प्लस 1 लेंगे क्योंकि 30 तो छात्र है बच्चों, एक शिक्षक और इसमें उनकी उम्र जोड़ ली, तो अब 30 प्लस 1 होगा, तो 19 इंटू 31। ठीक है, अब 19 को 31 से आप लोग गुणा कर दें, 19 को 1 से क्या 9 का 9 अच्छी लगी, 1 29 57 57 और 1 58 500 गुण 90, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी बच्चों, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 30 बच्चों की उम्र, समीकरण 2 शिक्षक प्लस 30 छात्रों की उम्र, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 500 गुण 90 माइनस 540 आ जाएगा 49 वर्ष। शिक्षक की उम्र कितने वर्ष है बच्चों, 49 वर्ष। ठीक है, शिक्षक की उम्र कितने वर्ष है बच्चों, 49 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कई सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अब ये प्रश्न है भैया, 240 का जो 25% है वो बराबर है x का 12.5%, तो x का मान, तो भैया लिख दो इसको, 240% मतलब का गुणा और 25/100, 240 का 25% मतलब 240 इंटू का मतलब गुणा 240 इंटू 25% मतलब 25/100 बराबर x, ये मिश्र बिन है, इसको साधारण बिन बदलो, 12 से 1/2 मिश्र बिन साधारण, 12 2 24 1 25 25/2% है, तो x का मतलब गुणा 25/2% मतलब 25/2% का चिन्ह हटाओगे बटे में 100 आएगा, 2 और 100 के बीच में चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा का आ जाएगा, तो 240 का मतलब गुणा 25/2% बराबर x का मतलब गुणा 12 से 1/2% मिश्र बिन है सदैव उसको साधारण बिन बदलते हैं, 12 2 24 और 25 25/2% 25/2% का चिन्ह हटाओगे बटे में 100 आएगा, 2 पहले से ही कोई बात नहीं, ये किस में आ जाएगा गुणा में, दो संख्याओं के बीच में चिन्ह नहीं दिया होता, चिन्ह सदैव गुणा का मानते हैं। अब हमें x का मान निकालना, ले जाओ इनको उस तरफ, तो 240 इंटू 25/100 ये बटे में जो भाग में वो उस तरफ गुणा में चली जाएगी, 2 इंटू 100 जो 25 गुणा में भाग में आ गया, इधर केवल क्या रह गया x, 100 से 100 कट गया, 25 से 25 कट गया, 240 को 2 से गुणा किया 480, x कितना आ गया बच्चों 480। ठीक है, दोनों का प्रतिशत निकाल लिया और हल किया और वहां से हमने x का मान निकाल लिया भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये सवाल अलग टाइप का सवाल है लेकिन है आसान,
नहीं, इसको रट लें, समझ लें, जैसा भी करें है आसान। कह रहा भैया एक दुकानदार अपने क्रय, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु एक किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बांट लेता है। कलाकार है भाई, एक किलोग्राम है ठीक है ना, उसकी जगह 900 ग्राम ही तोलता है, तो भैया 100 ग्राम को उसको नफा होगा कि नहीं होगा? होगा, 100 ग्राम का जो पैसा वो उसकी जेब में जाएगा। बच्चों भाई बाट जो है, एक किलोग्राम तोलना है, उसकी जगह बाट में वजन में हेरा फेरी कर रखी है उसने, वो 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भैया एक किलोग्राम मतलब ग्राम कितना हो गया 1000 ग्राम, उसकी जगह वो तोलता कितना है 900 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोलता है बच्चों 900 ग्राम, तो भैया कितना मतलब कितने की हेरा फेरी कर रहा है, 1000 माइनस 900, 100 ग्राम की, तो 100 बटे 900 जो बाद में तोल रहा है वो लेना है, हेरा फेरी करके जो तोल रहा है वो 100 बटे 900 × प्रतिशत निकालना है, तो 100 2 0 से 2 0 गए, 100 बटे 9 लाभ तो होगा ही होगा, क्योंकि हेरा फेरी कर रहा है तो लाभ फिक्स ही है, कर वो लाभ कितना होगा 100 बटे 9 में 9 का भाग दिया 10 में एक बार, 9 एकम 9, 10 में 9 घटा पिछर 1, 10 10 में 9 का भाग एक बार, 10 में 11 सही 1/9% लाभ होगा, 11 सही 1/9% आपको क्या होगा बच्चों लाभ। ये याद रखें, इसको रट सा लें ट्रिक को, एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, उसकी जगह 900 ग्राम तोलता है ठीक है, कितना ज्यादा तोल रहा है, कितनी हेरा फेरी कर रहा है 1000 माइनस 900, 100 ग्राम की, तो भैया लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चों, कितने ग्राम की हेरा फेरी कर रहा है 100 बटा बाद में कितना तोल रहा है वो, फर्जी कितना तोलता है वो 900 ग्राम ही तोलता है वो, इंटू 100% निकालना, 100 से गुणा करते हैं, हल किया 11 सही 1/9%। अलग टाइप का सवाल है, इसको समझ के रट लें भैया, किस टाइप का सवाल आता है सर ने ये बताया था, ये आसान बिल्कुल। ये 20% ऑब्वियसली बात है बताई है, गांधी जयंती के अवसर पर एक साड़ी को 20% बटा देकर, बटा दिया हुआ 20% 720 रुपए में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या? बिल्कुल आसान सवाल है भैया, अंकित मूल्य का सूत्र क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट कहो चाहे बटा कहो चाहे डिस्काउंट को एक ही बात है, 720 विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस छूट प्रतिशत कितना है 20, 720 इंटू 100/100 में से 20 गया 80, 008 का भाग दिया 72 में 9 बार, 9 × 100 900 रुपया हो गया भैया आपका आंसर, आंसर कितना रुपये हो गया 900 रुपये उस साड़ी का अंकित मूल्य हो जाएगा, सीधा सूत्र में लगाया भैया, भैया विक्रय मूल्य देता तो अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य देता तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ये सवाल भी आपको कराए हुए। अब आप जो बच्चा रेगुलर टेस्ट पेपर दे रहा है उनको कई सवाल और उनके तरीके, तो आपको रट से कहेंगे कि इस टाइप के सवाल में ये करना, इतनी आपको प्रैक्टिस करा दी, 70वां टेस्ट पेपर आज दे रहे हैं बोले आप, जो जिसने पुराने टेस्ट पेपर हल नहीं किया उनसे भी मेरी गुजारिश है पुराने टेस्ट पेपर भी आप लोग हल करें, M1D1 बराबर एक सूत्र है बच्चों, M2D2, M1 आदमी कितने 42 इंटू दिन कितने 15 बराबर, M2 आदमी कितने बच्चों 30 दिन पूछ रहा है, तो x का मान निकाल ले जाओ इस तरफ, 42 × 15 बटे 30 बराबर x, 15 × 15 15 × 30 2 का भाग दिया 21, कितने दिन में हो जाएगा काम बच्चों 21 दिन में, M1D1 बराबर M2D2 और घंटे भी होते आर्स भी, तो M1D1H1 बराबर M2D2H2। रेलगाड़ी का सवाल है बच्चों, रेलगाड़ी वाले सवाल भी खूब किया हमने, यहां रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, गाड़ी की लंबाई जो चीज पूछी जाती है उसको हम x मान लेते हैं, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो पूछी है उसको हमने मान लिया x मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है बच्चों उसको हमने x मीटर मान लिया, जो चीज पूछा जाता है उसको x मानते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x मीटर। कह रहे थी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, तो भैया यहां दूरी कितनी होगी बच्चों, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई हमने ज्ञात करनी, कितनी मानी x प्लस पुल की लंबाई, भैया रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई नहीं है तो क्या हुआ,
याद तो करनी मतलब कुछ ना कुछ तो होगी ना ट्रेन की लंबाई, तो दूरी क्या होगी, मैंने बताया था एक है तो एक लेते, दो है तो दोनों की जोड़, दूरी बराबर होगी ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई x प्लस पुल की लंबाई 100 मीटर, x प्लस 100 हो गया दूरी। फिर चाल, चाल दे रहा है बच्चों ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे भैया, 5/18 से, 6 का भाग दिया 7×42, 6 का भाग दिया 3, 35/3 मीटर प्रति सेकंड, ये अपने चाल है और समय दे रखा है बच्चों प्रश्न में 18 सेकंड। आप देख लें इसमें कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं बच्चों, इस टाइप के सवाल कर खूब सारे किए हमने रेलगाड़ी वाले सवाल, तो ट्रेन की लंबाई याद करनी थी, जो चीज पूछी जाती इसको एक्स मान दे, ट्रेन की लंबाई एक्स मान ली, दूरी कितनी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस अपना पुल की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई एक्स पुल की लंबाई 100, चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे 5/18 से गुणा किया था या 35/3 मीटर प्रति सेकंड, समय 18 सेकंड है, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों चाल इंटू समय, दूरी कितनी है एक्स प्लस 100 बराबर चाल है 35/3 इंटू समय है 18, 3 का भाग दिया 18 में 6 बार, एक्स प्लस 100 बराबर 35 इंटू 6 210, एक्स आ जाएगा 210 माइनस 100, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स कितनी आ गई बच्चों 110 मीटर। इस टाइप के सवाल खूब किए हैं, आसान लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर करें बेटा इसको एक बार अगर नहीं हुआ है तो। अब अगला प्रश्न, इस टाइप का सवाल हमने कराया बेटा खूब बार कराया, दुगुना तिगुना वाला, दोनों तरीकों से ट्रिक से भी बताया मैंने और सूत्र से भी, दोनों तरीकों से बता देता हूं। इसमें मूलधन हमें कितना मानना है बच्चों 100, मूलधन हमें कितना मानना है 100, तो बेटा मूलधन हमने मान लिया 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्ष में दुगुना कह रहा है तो मिश्रधन हो गया 200, हो जाता है मतलब मिश्रधन, तो ब्याज क्या होगा बच्चों मिश्रधन माइनस मूलधन, 200 माइनस 100 ब्याज हो गया बच्चों 100 रुपया, समय दे रखा है 50 वर्ष, दर पूछी आपको, मूलधन है ये भैया, सीधा सूत्र में रख दो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, साधारण ब्याज कितना है 100 बराबर मूलधन कितना है 100 इंटू दर ज्ञात करनी x इंटू समय कितना है 50/100, 100 से 100 चला गया, 50 गुणा में भाग में आ गया बराबर x, ये आ गया 2%, x कितना आ गया बच्चों 2%, ठीक है, और इसमें आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी कि भैया दर क्या होगा, कितने गुना कह रहा है दुगुना तिगुना, वहां एन रखना है बटा दर पूछ रहा है तो समय टी रखना है, समय पूछ रहा है तो दर रखना है, ठीक है ना, तो भैया दुगुना कह रहा है तो 2-1 बटा समय 50 × 100, 1/50 × 100 ये आ गया 2%, तो आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं बच्चों, दर दे रखा थी और अगर समय पूछता या समय पूछता तो समय का हम क्या कर देते हैं n-1/10 इंटू समय अपना इंटू 100 कर लेते, तो ये ट्रिक भी याद रखना है, दर का और ये समय का भी याद रखना है, तो चाहे ट्रिक से करो चाहे 100 मान के करो, दोनों ही तरीकों से ये सवाल पहले भी मैं बता चुका हूं, तो मैथ्स के सवाल कल के टेस्ट पेपर को हो गया, अब रीजनिंग के कुछ सवाल है उनको करते हैं, ये बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, 16वां सवाल, इसमें इसी के अंदर आंसर छिपा है, कह रहा है 50 को कह रहा है CACTY, कार को कह रहा है POL, TAR, तार को कह रहा है टोल TOL, तो टैरिफ को क्या कहेगा, टैरिफ को, तो बेटा हमें क्या करना है, इसी के अंदर आंसर है, जैसे आप समझते जाएं, टी कहां है भैया, जैसे ये रहा टी पहला वर्ण है, टी को क्या लिख रहा है, तार को क्या लिख रहा है, ये टोल, तो टी को टी लिख रहा है, तो भैया टी की जगह हम क्या लेंगे, टी की जगह हम क्या ले लेंगे, टी, अब ए को देखते हैं, ए कहां है भैया, ये रहा ए,
ए को क्या लिख रहा है ये ओ, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे ओ। फिर बच्चों बात करते हैं आर की, आर को क्या लिख रहा है एल, तो यहां आर की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों एल। आई, आई की जगह क्या लिख देंगे, यहां देखो इसका सेकंड वर्ड आई की जगह क्या लिख रहा है ए, आई की जगह हम लिख देंगे ए। फिर एफ की जगह, एफ ए रहा फर्स्ट, एफ की जगह क्या लिख रहा है ये सी, तो एफ की जगह हम क्या लिख देंगे सी सी। तो इसी में आंसर है बेटा कि एफ को लिख रहा है सी, आई को लिख रहा है ए, एफ को लिख रहा है सी, टी को लिख रहा है टी, टी को टी लिख रहा है, वाई को वाई लिख रहा है, सी को जैसे लिख रहा है पी, ए है तो उसको लिख रहा है ओ। तो हमें इसी में से देख के बताना तो ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं भैया, श्रृंखला बतानी हमें, भाई दो से चार हुआ दो से गुणा, चार से आठ हुआ दो से गुणा, आठ से सोलह दो से गुणा, सोलह से बत्तीस दो से गुणा, तो दो से गुणा चौसठ। खूब सारे बच्चों आंसर दिया, वेरी गुड, आसान प्रश्न है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं भैया, अब ये प्रश्न है गणित अपना मिसिंग नंबर का, आसान सवाल है। जैसे पांच प्लस आठ बटा दो, ये क्या कर रहा है ऊपर वाली को गुणा कर रहा है, प्लस जो है प्लस भले चिन्ह हो, यहां इससे बीस कैसे ला रहा है, ऊपर वाली गुणा करके दो का भाग दे रहा है। जैसे चालीस बटे दो, बीस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बीस आ रहा है। जैसे ये छह प्लस चार है, इनको गुणा कर रहा है बटा दो, तो चौबीस बटे दो बिल्कुल बारह आ रहा है बच्चों। तो सात प्लस आठ है, ये भी दिया हुआ, ये समझ आ गई ना, तो सात इंटू आठ बटे दो, सात बटी छप्पन बटे दो कितना ले रहा है, अट्ठाईस। तो भैया छः प्लस आठ है तो छः इंटू आठ बटे दो लेंगे, आठ अड़तालीस बटे दो, आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों चौबीस, ठीक है, चौबीस आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं भैया, अब यहाँ वही कल भी इस टाइप का सवाल किया है, जो प्रश्न में दे रखा है बस वो चिन्ह चेंज कर देना है, ठीक है ना। देखें प्रश्न में क्या दिया बच्चों, यदि माइनस का अर्थ, इसमें एक चिन्ह दिया नहीं, एक मिनट, माइनस माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का मतलब तो कह रहा है ये गुणा, ये देखो माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या है भाग, ठीक है, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहां क्या होगा माइनस होगा, ये होगा प्लस, यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का, यहां प्लस है ना, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ क्या है बच्चों माइनस। तो प्रश्न ये है प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, कोई बात नहीं रख दो उसको। तो यहां कह रहा है ये प्लस लिखना, इसे अपना प्रिंट में नहीं हो पाया, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो क्या होगा, तो हमें क्या करना, दो का दो, भाग की जगह क्या लिखना है बच्चों प्लस छ, गुणा की जगह भाग छ, और भाग की जगह प्लस, भाग की जगह है प्लस, भाग की जगह क्या लिखना है प्लस दो। भैया भाग है, भाग की जगह प्लस लिखना है, गुणा की जगह भाग लगाना है, जैसा इसमें कह रहा है ये लिख दिया बस वैसा करना है, भाग की जगह प्लस, तो दो भाग छह दो प्लस छह, छह इंटू छह तो इंटू जगह भाग छह भाग छह, भाग दो, भाग की जगह प्लस ले लेंगे प्लस, इसको हल कर दो, पहले भाग हल करेंगे, दो का दो, दोनों प्लस का, छह में छह का भाग दे एक प्लस, दो दो चार ने पांच, उत्तर आपका कितना आ जाएगा बच्चों पांच, आंसर आपका कितना आ जाएगा भैया पांच। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट सवाल डाइस का, पासे का, पासे वाला, मैंने बोला ना आपको रीजनिंग में मैं नए नए टाइप के सवाल डाल रहा हूं, पासे के आगे घड़ी कैलेंडर वाले भी सवाल डालूंगा, ताकि आपको आसानी रहे, सहूलियत रहे, चीजें समझ में आए, ये सवाल भी आते हैं तो
अब इसमें एक ध्यान रखना, अगर दो पद कॉमन है, कह रहा तीन के विपरीत फलक कौन है, तीन के विपरीत फलक कौन है, अगर दो पद कॉमन है तो उसको जैसे काटो, ये ट्रिक याद रखो, दो और पांच है इसमें, इसमें भी दो और पांच है, दोनों को काटो तो पीछे क्या बचा, तीन, तो तीन के विपरीत चार है या चार के विपरीत तीन है, ये आपका आंसर। इसमें गलती से छह आंसर बता दिया था, छह नहीं, आंसर इसमें करेक्ट चार ही है। ठीक है बच्चों, दो और पांच है, इसमें भी दो और पांच, दो पद अगर समान हो दो पासे के दो चित्रों में तो उनको काटो, ये ट्रिक याद रखें, दो पांच दोनों काट दिए, पीछे बचा क्या, तीन और चार, तो तीन के विपरीत चार है या चार के विपरीत तीन है। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट पेपर हल हो गया बच्चों, धन्यवाद। जो सवाल आपसे नहीं होते हैं उनको आप जरूर करें दोबारा, और टेस्ट के पिछले सवाल, अपना पिछले टेस्ट पेपर जो है टेस्ट सीरीज के, वो भी आपने नहीं किया तो वो जरूर करें, उनके सॉल्यूशन सारे यूट्यूब पे, पूरा कोर्स, रिवीजन कोर्स, टेस्ट पेपरों के सॉल्यूशन वगैरह सारे छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है उस पर पड़ा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न प्रकार की जानकारी आप लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें ताकि उस पर पीडीएफ वगैरह डेली उस पर शेयर करते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।